को संबोधित करें। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर, एनडीए गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर, यूपी चुनाव के बाद बीजेपी से अलग हो सकते हैं नीतीश कुमार, विपक्ष की ओर से हो सकते हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नीतीश कुमार को लेकर देश की सियासत में नई हलचल, दिल्ली से खबर, एनडीए गठबंधन में बड़ी दरार की खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, यूपी चुनाव के बाद बीजेपी से अलग हो सकते हैं नीतीश कुमार, विपक्ष की ओर से हो सकते हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर देश की सियासत में नई हलचल, नीतीश कुमार को लेकर देश की सियासत में नई हलचल, एनडीए से अलग होने की सुगबुगाहट के बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों की थी नीतीश से मुलाकात, और हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दुर्गेन जी, इस वक्त की बड़ी खबर है ये कि एनडीए गठबंधन में एक बड़ी दरार देखने को मिल रही है, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो वहीं ये खबर सामने आ रही है कि यूपी चुनाव के बाद बीजेपी से अलग हो जाएंगे नीतीश कुमार। देखिए ऐसी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अभी इस खबर पे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आए हैं, लेकिन ये कल रात से ही एक सुगबुगाहट पॉलिटिकल क्षेत्र में चल रही है और सुबह से ये खबर गरम थी आज कि क्या नीतीश कुमार एनडीए छोड़ेंगे, और एनडीए छोड़ने से ज्यादा अहम बात थी कि क्या नीतीश कुमार इसी साल राष्ट्रपति रिटायर हो रहे हैं रामनाथ कोविंद अपना कार्यकाल पूरा करके अक्टूबर में, जुलाई अगस्त जो हमारे पास आ रही है वो भी जो भी एग्जैक्ट डेट होगी इसी साल वो रिटायर हो रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष एक ऐसे चेहरे को लाकर राष्ट्रीय का चुनाव लड़ाना चाहता है जो एक बड़ा चेहरा हो, बड़ा नेता हो, उसके लिए इसके लिए जो पहल की है वो केसीआर ने की है, जो वहाँ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये केसीआर और शरद पवार दोनों की बातचीत आज मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई है, और इसमें सेतु बने हैं प्रशांत किशोर जो पॉलिटिकल मैनेजर, इलेक्शन मैनेजर जिनको सब जानते हैं, वो जेडीयू में भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे, वहाँ के मंत्री का दर्जा भी उनको नीतीश कुमार की सरकार में रहा, लेकिन बाद में अनबन के कारण फिर वो छोड़ गए। अब उनका पॉलिटिकल स्टेटस क्या है ये तो मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन वो एक रणनीतिकार है, वो लगातार वो हाल की जो उनकी बातें हैं वो बड़ी अजब गजब थी, वो कभी बीजेपी की तारीफ करते हैं, कभी मोदी की तारीफ करते हैं, कभी विपक्ष के साथ खड़े नजर आते हैं, हो सकता है ये सब उनकी रणनीति का हिस्सा हो क्योंकि बड़े लोग बड़ी बातें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को सर्वमान्य चेहरे के रूप में राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है विपक्ष। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए यशी जी, तो कांग्रेस का क्या रूप होगा, ये बहुत बड़ी भूमिका कांग्रेस की इस पूरे चुनाव में होगी, क्योंकि अभी जो एक तरीके से जो खबर आ रही है ये हो रहा है कि जैसे ही नतीजे 10 मार्च को 5 राज्यों में आ जाएंगे उत्तर प्रदेश समेत, उसके बाद नीतीश कुमार फाइनल फैसला लेंगे। नीतीश कुमार विचार कर रहे हैं इस तरह की खबर आ रही है। अभी उनके नीतीश कुमार सरकार के मंत्री और जेडीयू के नेता श्रवण कुमार का एक बयान अभी हम सुन रहे थे, उनका एक बयान आया है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं, ये बात वो कह रहे हैं। तो जेडीयू के अंदर ये बात अचानक जेडीयू के नेता की जुबान पर कैसे आई, इसका मतलब कहीं ना कहीं जेडीयू एक रणनीति बना रहा है। कुछ लोग अभी अचानक मुझसे कह रहे थे, बिहार से एक दो फोन आए कि क्या नीतीश कुमार की जो सरकार है वो चीफ मिनिस्टर कोई दूसरा होगा राष्ट्रपति का कैंडिडेट क्या कोई उनके बन जाने के बाद, या नीतीश कुमार राष्ट्रपति का कैंडिडेट रहते हुए क्या करते हैं जेडीयू के लिए, या सरकार का क्या होगा, सरकार का भविष्य क्या होगा,
इस पर कुछ लोग ये भी कह रहे थे क्या लालू प्रसाद यादव के पास ये लोग जाएंगे और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव एक बार फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, या कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि कोई बड़ी डील हो जाए और लालू यादव के बेटे तेजस्वी चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं। कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, केवल विपक्ष केवल एकजुट हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका मैं एक बार फिर कहूंगा कि नीतीश कुमार के जितने भी प्लान हैं, जितने भी ख्वाब हैं उनके और उनके आसपास के लोगों के, वो कांग्रेस पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि 5 में 4 राज्यों में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और यशी आपको पता है कि विधायक, विधान परिषद सदस्य, सांसद, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो जब ये सीन क्लियर हो जाएगा कि कितने विधायक किसके जीते हैं, उसके बाद विधान परिषद सीटों का भविष्य का तय हो जाएगा, उसी के अनुसार आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन अभी तक कांग्रेस से किसी ने बात नहीं की, कांग्रेस से कौन बात करेगा, कांग्रेस के गले में कौन घंटी बांधेगा, ये बड़ी बात है। जी दुर्गेन सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि एनडीए गठबंधन से अलग हो सकते हैं नीतीश कुमार, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवालों से ये खबर मिल पा रही है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस पर फैसला लेंगे, तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल यूपी की बात में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।